हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आपके साथ जो रिव्यू करने जा रही हूँ उस प्रोडक्ट का नाम है ओलिविया वाटरप्रूफ मेकअप पेन स्टिक। सो ये मैंने अपने लोकल मार्केट से ही खरीदा है और इसमें मेरा जो शेड है वो है नेचुरल 03 की MRP है 120 रुपीज़। बट ये लोकल मार्केट से अगर आप खरीदेंगे तो आपको 100 रुपीज़ में ये इजीली मिल जाएगा और ये शेड कार्ड के साथ आता है। इसमें काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल थे गाइस, लेकिन लोकल मार्केट में अगर हम खरीदने जाते तो उनके पास कुछ ज़्यादा शेड्स नहीं रहते, बहुत कॉमन शेड, जैसे कि बहुत फेयर स्किन के लिए आइवरी टोन और नेचुरल शेड और 05 टच एंड ग्लो आपको ईजिली मिल जाता है। तो ये मैंने इसके बारे में मैंने काफ़ी YouTube पर भी देखा था और इसलिए मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने फेस पर चेक करके देखूँगी कि इसका कवरेज कितना है। तो मैं अपने फेस पे इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। पहले मैं आपको इसको अपने एक साइड पे ही लगा कर दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे हम। अब मैं इसको अपने हाथ से ही ब्लेंड करूंगी क्योंकि इसके जो जिसके साथ ये है मैनुअल है, इसके बीच में इन्होंने बताया हुआ है कि आप इसको हाथ से ही ब्लेंड कीजिए तो ये ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा। तो मैं इसको अपने हाथ से ही ब्लेंड करके इस पर चेक करते हैं। काफ़ी क्रीमी है ये, वेरी क्रीमी फॉर्मूला। अभी मैंने अपने फेस पे कुछ लगाया नहीं है, जिस मैं इसको ही लगा रही हूँ तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ही प्रोडक्ट लग गया है जबकि मैंने बहुत कम लिया था। बट कोई भी जो हम फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई करते हैं पहले तो वो ऐसे ही वाइट सा लगता है, बट थोड़ी देर बाद कोई भी फाउंडेशन है वो हमारी स्किन के अंदर जो है चली जाती है। तो अच्छी तरह से मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। सो यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पे मैंने तो मेरे डार्क सर्कल जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, बट थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो उसके लिए इसकी एक कंसीलर आता है, येलो लाइनिंग शेड आता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर किसी के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ब्लेंड हो गया है, तो इसको मैं अब अपने बाकी के हाफ फेस पे भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो गाइस, मैंने अब इस साइड पे अपने फाउंडेशन यही वाला अप्लाई किया है, ओलिविया मेकअप पेन स्टिक यूज़ किया है। तो अब मैं इसको अपने ब्रश के साथ ब्लेंड करके देखते हैं कि कवरेज कैसा आता है और ये कितना से ब्लेंड है। बाद में ब्लेंड किया, जो
सी है, काफी ग्लो है फेस पे इसको लगाने के बाद। थोड़ा सा ये स्टिकी है लग रहा है, बिकॉज अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर समर है और अगर आप बाहर जाते हैं इसको लगा के, तो ये थोड़ा सा आपको स्टिकी रहेगा, थोड़ा सा ऑयलीनेस आ रहा है। और अगर आपके ओपन पोर्स है आपके फेस पे, मेरे फेस पे बहुत ओपन पोर्स है, तो अगर आपके फेस पे बहुत ओपन पोर्स है तो थोड़ी देर बाद आपकी स्किन थोड़ा सा ऑयली लगेगी, तो ग्रीसी ज़्यादा लगेगी। तो इसके लिए अगर इसको आपने यूज़ करना है ओलिविया मेकअप पेन स्टिक को, तो आप इससे पहले आप जहाँ जहाँ आपके ओपन पोर्स है, लाइक यहाँ पे, यहाँ पे आपको टी जोन पे अगर आपके ऑयल रहता है, ज़्यादा ऑयल आता है, तो आप उससे पहले आप कोई ऑयल फ्री प्राइमर यूज़ कर सकते हैं आप। और इसकी कवरेज अच्छी है, इसलिए इसको लगा के आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। काफ़ी देर तक ये आपका मेकअप टिका रहेगा, बिकॉज वाटर प्रूफ है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और तो इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड पे बेल बटन आता है उसे